शहर में लूटपाट घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ऐसी घटना एरोड्रम थाना क्षेत्र में सिक्योरिटी गार्ड की 12 बोर की बंदूक छीनकर बदमाश फरार हो गए। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र स्थित फाइलिंग सिटी के सामने से सुभाष पाल नामक सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक बाइक सवार दो बदमाश छीन कर फरार हो गए। गार्ड भागड़ा दड़ा रोड का रहने वाला है। गार्ड यात्री ड्यूटी के चलते गोदा परिवार के बंगले पर ड्यूटी देने जा रहा था कि तभी अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। गार्ड से जब बदमाश बंदूक छीन रहे थे, गार्ड ने बदमाशों से लोहा लेते हुए काफी मशक्कत की, लेकिन रोड सूनी होने के चलते दोनों बदमाशों गार्ड पर भारी पड़े और बंदूक छीन कर फरार हो गए। तो वहीं एक बदमाश की चप्पल वहीं छूट गई, जिसे पुलिस मौके से जब्त कर थाने लेकर पहुंची। गार्ड ने पूरी घटना की जानकारी अधिकारियों दी, जिसके बाद थाने की पुलिस हरकत में आई। पूरे क्षेत्र में बदमाशों की छानबीन शुरू की गई। फिलहाल पुलिस ने गार्ड के कहे अनुसार मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सामने क्या है तुम? थाना एरोड्रम क्षेत्र के दुर्गा नगर में रहता है, जो गार्ड का काम करता है। वो आज अपनी ड्यूटी जा रहा था गांधीनगर में साइकिल से। वो छोटा बंगड़ा रोड जो सुपर कॉरिडोर को टच करता है, वहाँ पर दो बाइक सवार आए और उसमें से एक बाइक सवार नीचे उतरा और उसकी साइकिल को गिरा दी। गिराने के बाद उसके पास जो 12 बोर बंदूक वो छिटक गई, तो बंदूक उठा के और दोनों लोग मोटरसाइकिल से भागते। सर, पहले भी घटनाएं ऐसी हुई, पुलिस ने एरोड्रम पुलिस ने मात्र चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया था आरोपियों को, क्या इस पूरे मामले में भी जल्दी ही गिरफ्तार हो जाएंगे? प्रयास तो ये किया जाएगा कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। और पूर्व में जो घटनाएं घटी थी उसमें तो ट्रेस हो गई थी, इसमें भी उम्मीद है कि इसको ट्रेस कर लेंगे। सर, किस तरह से सीसीटीवी का निरीक्षण किया जा रहा है? अभी तो सीसीटीवी मिले नहीं है, लेकिन पूर्व में के आरोपियों को देखा जाएगा और ये जहाँ से निकला है हो सकता है कि इसका पीछा किया हो मोटरसाइकिल सवारों ने और देखा मौका देख के, क्योंकि सुनसान रास्ता था और एक साइकिल से जा रहा था और जो जा रहा था वो अंधेरा वाला रास्ता था, ये देख नहीं पाया है। केवल एक आरोपी की मौके पे एक चप्पल छूट गई है, तो ये चप्पल एक पहचान की और एक मोटरसाइकिल जो बता रहा है ब्लैक रंग की पैशन या हीरोंडा की कोई गाड़ी हो ऐसी बता रहा है, तो उसकी तस्दीक की जाकर उसकी तस्दीक के आधार पर आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। ठीक है। अरे 2 मिनट रुक जाए यार। चलो भैया, अरे कम से कम 2 बाइट में चलाने जितने फुटेज तो बना लूं। बनाना तो ये भैया के बैठे हुए बना लेता बैठे। क्या घटना हुई? ये हमारे भैया का नाम बताए। क्या नाम आपके? मेरे भैया का नाम सुरेश सिंह पाल। हाँ जी। वो 9 बजे घर से निकले, 9:30 बजे हाइलैंड सिटी के आगे। हाँ। वहाँ दो मोटरसाइकिल वालों ने साइकिल में धक्का मारा और बंदूक छीन ली। अच्छा, कितनी कौन सी 12 बोर थी? 12 बोर डबल बैर। तो क्या ड्यूटी के लिए निकले थे? हाँ, लड्डा जी के पेट्रोल पंप बंगले जा रहे थे। हाँ। कितने कितने लोग थे ये? 2 लोग। काई पे थे ये लोग? मोटरसाइकिल काली थी। हाँ। नंबर नहीं देख पाया उन्होंने। अच्छा, पहले भी इस तरह की कुछ हुई क्या वारदात? नहीं, 1.5 साल से जा रहे, कभी वही नहीं ऐसा हुआ। आज हुई। कहाँ के रहने वाले थे ये? मैंने ये ऐसे तो अब यहीं को प्रॉपर है, 20 साल पहले 20-25 साल से यहीं रहते दुर्गा नगर में। अच्छा, घर का मकान। काय पे पदस्थ था ये? पहले काय में था ये? सिक्योरिटी बंदूक है 20 साल से। अच्छा, सिक्योरिटी का काम करते हैं 20 सालों से? हाँ, बंदूक है। कोई मिलिट्री रिलेटेड से तो रिटायर नहीं? सिविल है। सिविल है। आपका नाम? मैं नागेश पाल, छोटा भाई।